दिल्ली का दंगल हर गुजरते दिन के साथ रोचक होता जा रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों प्रमुख पार्टियां चुनावी राजनीति में नए नए दांव आजमा रही हैं। सभी दलों का लक्ष्य है दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नए नए चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आपके निशाने पर मुख्य रूप से बीजेपी है। आपका मानना है कि दिल्ली में सिर्फ दो पार्टियों के बीच मुकाबला है, कांग्रेस कहीं से भी चुनावी रेस में नहीं है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और मोदी पर हमले कर रही है। मोदी की नीतियों के साथ साथ उनके बतौर प्रधानमंत्री किए गए कामों पर भी केजरीवाल काफी मुखर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए केजरीवाल नरेंद्र मोदी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए अब सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन को ऐतिहासिक बनाने में लग गई है। जिस तरह से मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी की रैली को ऐतिहासिक बनाया, वैसे ही आप भी केजरीवाल के नामांकन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के मूड में हैं। केजरीवाल के नामांकन प्रक्रिया को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और लोगों से अपील की गई है कि वो इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों। पार्टी ने सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखा है कि इतिहास बार बार नहीं रचा जाता। आपने लोगों से अपील की है कि नामांकन कार्यक्रम में अपने साथ पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों को भी लाएं। कार्यक्रम की शुरुआत 20 जनवरी को सुबह 10 बजे मंदिर मार्ग से की जाएगी। केजरीवाल का कारवां वाल्मीकि मंदिर से इंडिया गेट के जामनगर हाउस तक जाएगा। एक तरह से केजरीवाल अपने नामांकन के साथ विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए। केजरीवाल के नामांकन के बाद ही पार्टी के सभी उम्मीदवार अगले 2 दिनों में नामांकन दाखिल कर देंगे। अब तक पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। दिल्ली के चुनावी दंगल में उम्मीदवार उतारने के मामले में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से आगे है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही आपने दिल्ली में काफी पहले से प्रचार भी शुरू कर दिया था। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव काफी अहम है। आपका राजनीतिक भविष्य दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर है। यही कारण है कि पार्टी ने चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह से काशी में नरेंद्र मोदी के नामांकन ने इतिहास रचा था, उसी तरह की कोशिश आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए कर रही है। अरविंद केजरीवाल इतिहास बनाते हैं या फिर इतिहास बन जाएंगे, इसके लिए इंतजार कीजिए 10 फरवरी का। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज़।